और ये देख भाई, स्टेटस में क्या डाल रहे हो? तुम्हारी गलियों में जाकर जब भी कभी देखा, तुम मिले तो कहीं नहीं। वाह वाह भाई फाइनली हो चुका है स्टार्टअप। भाई वाह, आवाज से समझ रहे हो क्या? पता है, अपने सारे एग्जाम्स खत्म, सेमेस्टर एग्जाम्स और प्रैक्टिकल भी खत्म। चलो अच्छी बात है, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। आज से तो बिल्कुल फ्री हो गए हो। चलो घर के काम वाम करवाओगी, कपड़े वपड़े धुलवाना थी। भाई ये हवा का ना एक अलग ही मजा है, देख सकते हो। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखो। हे यार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज वाइवा है, लास्ट वाइवा है। एक्चुअल में 3 वाइवा हो चुके हैं और लास्ट वाला वाइवा बचा हुआ है। ठीक है यार, वाइवा है, थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं। और ये देखो ये मुकुल क्या करने लगा हुआ है। ठीक है यार, अभी जरा वाइवा के लिए थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो बेसिकली वाइवा का रूल तो सबको पता रहता है कि भाई एक्सटर्नल आएगा, क्वेश्चंस पूछेगा। लेकिन एक चीज़ है कि जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं आज के टाइम पे घर पे बैठे हुए हैं, और वो लोग ये सोचते हैं कि यार मतलब वाइवा आएगा, हम उनको हाई आई डोंट नो बोलेंगे और फिर उसके बाद वो हमको कहेगा ओके बेटा लीव कर जाओ और आप चले जाओ यहाँ से। कोई सेंस है इस बात की? हमें बहुत लग रही थी उस टाइम। ऐसा तो नहीं होगा ना भाई, आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना एटलीस्ट उनके सामने। तो कल के दिन जैसे हम लोगों का जो वाइवा हुआ था, तो वो था FEM का, इट मीन्स की फाइनाइट एलिमेंट मेथड का। तो उस वाले में लोगों ने आंसर नहीं दे पाया। सर पूछने लगे कि बेटा आप कुछ तो पढ़कर आए होगे एटलीस्ट, तो मतलब कि कुछ बोल के जाओ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जिस सब्जेक्ट का आपका वाइवा है तो एटलीस्ट इतना पढ़ लो कि हाँ सामने वाले को कुछ आप बता सको एटलीस्ट। कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुकुल देख तो एक मिनट जरा, ये तो देख जरा भाई, मुझे लोगों पे ना बड़ी हंसी आती है। एक तो ये, और ये देख भाई स्टेटस में क्या डाल रहे हो? तुम्हारी गलियों में जाकर जब भी कभी देखा, तुम मिले तो कहीं नहीं। वाह वाह। पर उन गलियों में तेरी खुशबू का एहसास अब भी है, तुम्हारा मिलना जैसे एक ख्वाब था मेरे लिए, वो तुम्हारा बिछड़ना जैसे एक दर्दनाक हादसा है। वाह 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 वाह। आज बच्चे के एक्सटर्नल बाय बाय है, लेकिन फिर भी भाई फाइनली हो चुका है स्टार्टअप। बाय बाय, आवाज से समझ रहे हो क्या? सब आ चुके हो म्यूट होकर, जो भी आ रहा है वो म्यूट होते जा रहा है। और बेसिकली थोड़ी सी नर्वसनेस भी है क्योंकि यार पढ़ तो लिया है, देखते हैं क्या होता है। घबराहट हो रही है। गुड आफ्टरनून सर। सर सबसे पहले तो सर मैंने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के बारे में पढ़ा है। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है यार, वाइवा तो कंप्लीट हो गया, अब जरा काम है वो ये कि यार नहाने का नहाया नहीं है और नहाना है थोड़ा सा, खाना पीना खाना है, तो जरा अपने काम वाम भी कर लिए जाए फिर उसके बाद ही बाकी सारे काम होंगे। लेकिन अभी तो पहले नहाना है। मम्मी वाइवा हो गया कंप्लीट। वाइवा हो गया कंप्लीट। वाइवा कंप्लीट हो गया आज से। मम्मी पता है, अपने सारे एग्जाम्स खत्म, सेमेस्टर एग्जाम्स और प्रैक्टिकल भी खत्म। चलो अच्छी बात है, मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। आज से तो बिल्कुल फ्री हो गए हो। चलो घर के काम वाम करवाओगी, कपड़े वपड़े धुलवाना थी ना। देखा, काम आने चालू हो गए। तो यार काम तो हो गए हैं, अब चल रहे हैं अपन ऊपर की तरफ, और ऊपर चल के मौसम के मजे लेते हैं यार। मतलब क्या मस्त मौसम हो रहा है ना आज सुबह सुबह से भाई, ठंडी हवा का हाय 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 हाय। नेचर देखो यार, आज क्या मस्त कह रहा है, और आज ये कह रहा है कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, और धूप निकली एक साइड से तो दूसरे साइड से ठंडी हवा चल रही, और वो पेड़ों की देख रहे हो, झूमर 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 भाई इधर उधर। और भाई इतनी प्यारी हवा चल रही है ना इस टाइम के, कई लोग इस समय पर पतंग उड़ाने लगे हुए हैं, और पतंग उड़ाने का मज़ा तो आप समझ ही सकते हो। और धूप है ही सदाबहार, मतलब सर्दी के मौसम के लिए सदाबहार है धूप, लेकिन गर्मी के मौसम के लिए कूलर है सदाबहार।
और आप देख सकते हैं कि कुछ लोग छत पर आकर पतंग उड़ा रहे हैं। ये देखिए उनकी पतंग ये रही। क्या बात, ओ क्या बात है भाई, हवा। एक तो पता है यार यहाँ पे इतनी बढ़िया हवा चल रही है, और दूसरी चीज़ ये है यार यहाँ पे आके ना एक तो धूप है और दूसरी चीज़ की हवा चल रही है, तो यहाँ पे आके आप बढ़िया चेयर बिछाओ और पढ़ाई करो, एक अलग ही चीज़। और सबसे अच्छी चीज़ है भाई, ऐसे टाइम पे पढ़ाई में मन भी लग जाता है। हाँ कुछ लोगों को नींद भी आ जाती है, वैसे वो भी है। और यार यहाँ पे क्या मस्त बढ़िया बर्ड्स यार, क्या बात है, उड़ रहे हैं यार, वो भी पता है इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। सीरियसली बोल रहा हूँ, आज का मौसम देख रहे हो, ये सूरज चाचू और इधर बादल। और वो कपड़े देख रहे हो वहाँ पे, जो कपड़े टंगे हुए हैं वो देखो किस तरीके से लहरा रहे हैं, ये देखो। और वैसे एक कमाल की चीज़ है यार, जो लोग नेचर लवर्स रहते हैं उनको ज़्यादातर ना नेचर पे रहने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और सबसे ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं इन ठंडी हवाओं को, या फिर वो एक ऐसी साइलेंट प्लेसेस पे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि यार वहाँ पे जाके बढ़िया ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठाया जाए और कुछ प्यार भरे गीत गाए जाएँ और साथ ही साथ खुद से बातें की जाए। ये देखो मैं बातें करवाता हूँ, ये देखो यार क्या बात है भाई, वो चिड़ियों को देखो, ये देखो चिड़िया, ये भी अंधेरा सा हो रहा है, ये देखो यार बर्ड्स को, ओ क्या बात है, ये देखो। तो भाई ठीक है यार, बहुत रह लिया नेचर के पास, हम मम्मी बुला रही हैं, तो अब जाना होगा नीचे और चलो नीचे, चलो बस अभी जाओ। लेकिन एक बात कि मजा ही रहा भाई, देख सकते हो सुबह जब मौसम था तो हवा वाला था बढ़िया, लेकिन अब देख सकते हो तो बारिश स्टार्ट हो गई है, ये देखो। ये देखो पूरे पेड़ पे पानी पानी हो चुका है, एक बात है बारिश अचानक से आ गई यार, मतलब सोचा नहीं था। भाई फाइनली मौसम हो चुका अब ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा, और अब मुझे ये लग रहा है कहीं की बारिश हो गई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो गई, तो इस वजह से शायद ठंडी और ना बढ़े। अभी मैं सुबह टी शर्ट पहन के और चड्डे में घूम रहा था, हो सकता है शायद अब स्वेटर निकालने की नौबत आ जाए। खैर ठीक है, ध्यान रखो अपना, और जैसे देखा है कि भाई मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है तो थोड़ा सा गर्म कपड़े भी पहन लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ठीक है।